दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना को वैध करार दिया। केंद्र सरकार को मिली बड़ी जीत। अग्निपथ भर्ती योजना मामले में केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को वैध करार दिया है। इसी के साथ अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। इस मामले पर चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल ये योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की गई थी। योजना के नियम के अनुसार 17.5 और 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें 4 साल का कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। योजना के तहत उनमें से 25% की सेवा नियमित कर दी जाएगी, लेकिन इस योजना की शुरुआत के बाद कई राज्यों में विरोध शुरू हो गया था, जिसके बाद सरकार ने 2022 में भर्ती की आयु सीमा को 17 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। इसी मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट समेत कई हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया।